दोस्तों, क्या आपको एक बजट रेंज में अच्छा दोस्तों स्मार्टफोन चाहिए हो? इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, ये स्मार्टफोन मैंने खुद सजेस्ट किए, मेरे को काफ़ी दोस्तों पसंद है। सभी फ़ोनों की लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इन दोस्तों पांचों फ़ोन में इसमें दोस्तों आपको चार चीज़ें आपको कॉमन देखने को मिलेगी। इसमें आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, क्वाड कैमरा देखने को मिलता है, फुल HD प्लस आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है, 4GB और 6GB आपको रैम देखने को मिलती है। दोस्तों बने रहिए आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करते हैं टॉप 5 स्मार्टफोन अंडर 15K। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोहल परियार, आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल सोहल परियार MGT में। लेके आया हूँ बहुत ही कमाल की वीडियो। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फिफ्थ नंबर का जो हमारा स्मार्टफोन आता है वो आता है रियलमी की तरफ से, रियलमी नार्जो 20 प्रो। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। इसमें आपको 6.5 इंच की फुल HD प्लस आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है, साथ में आपको 90 हर्ट्ज की रिफ्रेशिंग रेट देखने को मिलती है। रैम एंड रोम के बारे में बात करूँ, इसमें आपको 6GB की रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। प्रोसेसर के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको MediaTek Helio G95 का इसमें आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है। बैटरी के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है, साथ में आपको 65 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। कैमरे के बारे में बात करूँ जिसमें आपको क्वाड कैमरे का आपको सेटअप देखने को मिलेगा। पहला और मेन कैमरा आपको 14 मेगापिक्सल का, साथ में आपको 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल्स के लिए, 2 मेगापिक्सल माइक्रो के लिए और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। फ्रंट कैमरे के बारे में बात करूँ तो फ्रंट में दोस्तों आपको 16 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी देखने को मिलती है। फोर्थ नंबर का जो हमारा स्मार्टफोन आता है वो आता है रेडमी की तरफ से, रेडमी नोट 9 प्रो। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। इसमें आपको 6.67 इंच की फुल HD प्लस आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है, साथ में आपको Qualcomm Snapdragon 720G का इसमें आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है। रैम एंड रोम के बारे में बात करूँ इसमें आपको 6GB की रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। बैटरी के बारे में बात करूँ इसमें आपको 5020 mAh की आपको लॉन्ग लास्टिंग बैटरी देखने को मिलती है। कैमरे के बारे में बात करूँ तो पीछे देखोगे तो आपको क्वाड कैमरे का आपको सेटअप देखने को मिलेगा। पहला उन मेन कैमरा आपको 48 मेगापिक्सल का, साथ में आपको 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल्स के लिए, 5 मेगापिक्सल माइक्रो के लिए और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। फ्रंट कैमरे के बारे में बात करूँ तो फ्रंट में आपको दोस्तों 16 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी देखने को मिलती है। थर्ड नंबर का जो हमारा स्मार्टफोन आता है वो आता है पोको की तरफ से, पोको M2 प्रो। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। इसमें आपको 6.67 इंच की फुल HD प्लस आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है, साथ में दोस्तों इसमें आपको 60 हर्ट्ज की रिफ्रेशिंग रेट देखने को मिलती है। प्रोसेसर के बारे में बात करूँ इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 720G का इसमें आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है, साथ में आपको 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। बैटरी के बारे में बात करूँ इसमें आपको 5000 mAh की लॉन्ग लास्टिंग बैटरी मिलती है, साथ में आपको 33 वोल्ट की आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। कैमरे के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको क्वाड कैमरे का आपको सेटअप देखने को मिलेगा। पहला और मेन कैमरा आपको 48 मेगापिक्सल का, साथ में आपको 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल्स के लिए, 5 मेगापिक्सल माइक्रो के लिए और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। फ्रंट कैमरे के बारे में बात करूँ तो फ्रंट में दोस्तों आपको 16 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी देखने को मिलती है। एक नंबर का जो हमारा स्मार्टफोन आता है वो आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी M21। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। इसमें आपको 6.4 इंच की आपको फुल HD प्लस आपको AMOLED स्क्रीन देखने को मिलती है, साथ में आपको 6GB की रैम 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। प्रोसेसर के बारे में बात करूँ इसमें आपको सैमसंग एक्जीनोट 9 Octa का इसमें आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है। बैटरी के बारे में बात करूँ इसमें आपको 6000 mAh की लॉन्ग लास्टिंग बैटरी मिलती है, साथ में आपको 15 वोल्ट्स की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। कैमरे के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरे का आपको सेटअप देखने को मिलेगा। पहला और मेन कैमरा आपको 48 मेगापिक्सल का, साथ में आपको 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल्स के लिए और 5 मेगापिक्सल माइक्रो के लिए। फ्रंट कैमरे के बारे में बात करूँ तो फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी देखने को मिलती है। दोस्तों, फर्स्ट नंबर पर जो हमारा स्मार्टफोन आता है वो आता है रियलमी की तरफ से, रियलमी 7। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। इसमें आपको 6.5 इंच की फुल HD प्लस आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है, साथ में आपको 90 हर्ट्ज की रिफ्रेशिंग रेट देखने को मिलती है। प्रोसेसर के बारे में बात करूँ इसमें आपको MediaTek Helio G95 का इसमें आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है, साथ में आपको 6GB की रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। बैटरी के बारे में बात करूँ इसमें आपको 5000 mAh की लॉन्ग लास्टिंग बैटरी मिलती है, साथ में आपको 233 वोल्ट्स की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। कैमरे के बारे में बात करूँ इसमें आपको क्वाड कैमरे का आपको सेटअप देखने को मिलेगा। पहला और मेन कैमरा आपको 64 मेगापिक्सल का, साथ में आपको 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल्स के लिए, 2 मेगापिक्सल माइक्रो के लिए और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। फ्रंट कैमरे के बारे में बात करूँ तो फ्रंट में दोस्तों आपको 16 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी देखने को मिलती है। तो हो गई हमारे पांचों फोन के बारे में, इसके प्रोसेसर रैम सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों हमने डिस्कस किया। अब दोस्तों इन पांचों स्मार्टफोन में आपको दोस्तों मैंने आपको पहले बताया इसमें आपको चार चीज़ें आपको कॉमन देखने को मिलेगी। सबसे पहले इसमें आपको अच्छा खासा आपको डिस्प्ले चाहिए है फुल HD,
क्वाड कैमरा वो भी दोस्तों आपको मिल गया, फास्ट चार्जिंग वो भी आपको मिल गया, 6GB की रैम वो भी दोस्तों आपको मिल गया। दोस्तों ये काफ़ी पांचों फ़ोन काफ़ी दोस्तों आपको बजट रेंज में आपको दोस्तों अच्छे परफॉर्मेंस और अच्छी बैटरी और दोस्तों अच्छा दोस्तों आपको कैमरा भी दोस्तों दे सकते हैं। दोस्तों अगर आपको फ़ोन के बारे में और जानकारी लेना हो या दोस्तों उसके फ़ोन के बारे में परचेस करना हो तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर दोस्तों फ़ोन को परचेस कर सकते हो। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कराया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद एंड वंदे मातरम।